भीलवाड़ा में जिला प्रशासन सरकारी कर्मचारियों के लिए हेलमेट व सीट बेल्ट अनिवार्य करने के बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिला प्रशासन ने ये सख्ती अपने घर यानी कलेक्ट्रेट से शुरू की है। जिला कलेक्टर नरेंद्र जैन ने सभी मोर्चा संभाला और उनके साथ जिला परिवहन अधिकारी भी अपनी टीम के साथ कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर नजर आए। टीम ने हेलमेट व सीट बेल्ट बिना कलेक्ट्रेट परिसर में कर्मचारी व अधिकारी को नजर आने पर उन्हें रोकना शुरू किया है। जागरूकता के साथ प्रवर्तन की व्यापक कार्रवाई आज, हाँ कर्मचारी नहीं, कोई भी किसी ने प्रवेश नहीं किया आज बिना सीट बेल्ट के और बिना हेलमेट लगाए, और अधिकांश कार्मिक हेलमेट लगा के आ रहे हैं। आप देखिए आप सामने अभी जिला जागरूकता बढ़ेगी सर, बिल्कुल निश्चित महसूस जाएगा कि जो लोग जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग खुद पे अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और धीरे धीरे जिले को हेलमेट युक्त बनाने की ओर अग्रसर होंगे। और इसमें मीडिया से लेकर सारे स्वयंसेवी संस्थाएं और आम पब्लिक जब स्वेत इसको समझेंगे कि सर सलामत तो सब सलामत, यानी मेरा शहर मेरी पहल, मेरा गांव मेरी पहल की थीम पर अगर कौन सोचेंगे तो खुद की सुरक्षा के लिए सोचेंगे तो निश्चित तौर पर ये कार्य सफलता की ओर। हेलमेट लगा कर आओ तो बट निकल रहा है कि उसके दिमाग में आएगा कि भाई आज मैं अपने काम से क्यों लेट हुआ। पहले दिन क्या चालान भी कटे क्या? नहीं, कोई चालान नहीं काटे हैं। आज सभी को समझाइश की गई, ये बड़े प्यार से समझाइश की गई। ठीक है सर, ठीक है, पर इसमें की कार्रवाई करेंगे। किन किन मैंने अधिकारियों को, पुलिस विभाग हो या प्रशासनिक, किन किन को नसीहत दी आपने मेन? हमने नसीहत तो नहीं, पर यह है कि अपने यातायात संबंधी नियमों संबंधी कानून संबंधी जो बातें थे उनको निवेदन किए, क्योंकि अधिकारी सभी बड़े थे, साथी भाई थे, तो उनको ये निवेदन किया है कि भाई सब आप लोग हम लोगों का सहयोग करें और अपने शहर में भी सभी लोगों को अवगत करा लो। आप कह रहे हैं कि सर चार जगह वो लाइटिंग लगी, कहाँ कहाँ लगेगी सर सुरक्षा के लिए? कल चार जगह चौकी लगाने का है, फिलहाल टेम्प्रेरी चौकी है, जैसे अजमेर चौराहे पर है एक, गंगापुर चौराहे पर है एक, आपके सूचना केंद्र पर है एक, रोडवेज बस स्टैंड पर है, वहाँ पर भी लोगों को समझाइश की जाएगी।